हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आप अपना सिंपल ब्लाउज बनाना चाहते हैं एकदम परफेक्ट फिटिंग का, तो आपको उसका नाप किस तरीके से लेना है तो मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो देखो, मैं इनका नाप आपके लिए लेकर दिखाऊंगी कि आपको कहाँ कहाँ से और किस तरीके से नाप लेना है, जिससे आपका ब्लाउज भी एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ बनकर कंप्लीट हो जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको टेप को इस तरीके से पकड़ना है, ये वाली साइड अंदर की तरफ रखनी है और ये वाली साइड बाहर की तरफ रखनी है। फिर आपको टेप को इस तरीके से पीछे की तरफ लेके जाना है और इस तरीके से आगे की तरफ लाना है। और सबसे पहले आप यहाँ पे नाप लेंगे इसके चेस्ट का। तो देखो, इसका चेस्ट यहाँ पे आ रहा है 35 इंच, तो आपको इसको नोट करके रखना है। और उसके बाद आप अगर यहाँ पे जो ये जो अपर ब्रेस्ट है इसका भी नाप लेना चाहते हैं तो देखो इस तरीके से ले सकते हैं, बट मैं तो नहीं लेती। मैं कोई भी ब्लाउज बनाती हूँ उसमें ये वाला नाप नहीं लेती हूँ। अगर आपको यहाँ से नाप लेना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे भी और अच्छी फिटिंग आती है, क्योंकि यहाँ का भी नाप निकल के आता है और यहाँ का भी आ जाता है। तो आप यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से आप दोनों जगह से नाप निकाल सकते हैं। तो देखो, ये तो हो गया चेस्ट का नाप, आपको इस तरीके से लेना है। और फिर आपको ब्लाउज की पेटी का नाप लेना है। तो देखो, आपको टेप को ना ही ज्यादा नीचे रखना है और ना ही ज्यादा ऊपर रखना है, इस तरीके से रखना है और थोड़ा सा टाइट पकड़ना है, ज्यादा टाइट आपको टेप को नहीं पकड़ना है। तो देखो, यहाँ पे इसका निकल कर आ रहा है 30 इंच, तो आपको अपना 30 इंच नाप नोट करके रखना है। और फिर आपको ब्लाउज की लेंथ का नाप करना है। तो देखो, आप ब्लाउज की लेंथ हमेशा बैक साइड से ही नाप करें। तो देखो, इस तरीके से बैक साइड से नाप करना है और टेप को यहाँ पर रखना है शोल्डर पर, और इस तरीके से ब्लाउज की लेंथ का नाप करना है। तो देखो, आप जितनी लंबाई का ब्लाउज बनाना चाहते हैं आप उतनी लंबाई नोट कर लें। तो देखो, आप यहाँ पर 13 इंच भी रख सकते हैं, 14 भी रख सकते हैं, बट 13 इंच है वो ब्लाउज की लंबाई, जो नॉर्मल साइज होते हैं उनकी कम हो जाती है। तो आपको 14 इंच की लंबाई परफेक्ट मिलेगी। तो आपको यहाँ पर लंबाई का नाप नोट करके रखना है। फिर आपको यहाँ पर शोल्डर का नाप करना है। तो देखो, आप डीप नेक गला बना रहे हैं तो उसके लिए आपको किस तरीके से नाप करना है। तो देखो, आप यहाँ पर टेप को रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे और दूसरी साइड में यहाँ तक लाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर फुल शोल्डर का नाप आपको नहीं करना है, क्योंकि ब्लाउज में हम शोल्डर का नाप यहीं तक करते हैं, डीप नेक गला रखते हैं उसमें। और अगर आप कॉलर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें आपको नाप लेना पड़ता है एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक, यानी कि फुल शोल्डर का नाप रखना पड़ता है। तो देखो, आपको टेप को यहाँ पे रखना है, गर्दन का ये जो थोड़ा सा हिस्सा इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पे टेप को रखना है इस तरीके से और यहाँ तक लाना है। तो देखो, इसका शोल्डर यहाँ पे आ रहा है 9 इंच, तो ये आपको डीप नेक के हिसाब से रखना है। आप 9 इंच भी रख सकते हैं, 10 इंच भी रख सकते हैं, आप जितना डीप नेक गला बना रहे उतना आपको यहाँ पे शोल्डर का नाप कम करना है। तो ये आपको पीछे की साइड से समझ में आ गया होगा। फिर आपको स्लीव्स का नाप लेना है, इस तरीके से यहाँ पर शोल्डर पर टेप को रखना है ऐसे सीधा करके। और अगर आप हाफ बाजू बना रहे हैं तो आप इतना नाप रख लें, 4-5, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप एल्बो तक स्लीव्स बना रहे हैं तो देखो, आप 11 भी रख सकते हैं और 10 भी रख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर इसकी मोहरी का नाप करना है इस तरीके से। तो ये स्लीव्स का नाप हो गया। फिर आपको देखो, गले का नाप इस तरीके से करना है, टेप को यहाँ पर रखना है और इस तरीके से करना है। देखो, इसका गला जो फ्रंट से है बहुत कम है। देखो, मैंने इसका गला यहाँ पे 6 इंच का ही बनाया है, यानी कि ये बोट नेक में बनाया है। और बैक साइड से इसका गला है वो काफी डीप है, आपके लिए दिखा देती हूँ। देखो, और बैक साइड से आपको टेप को ऐसे रखना है और जितनी लंबाई का आप अपना गला बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप नाप नोट कर लें। तो देखो, इसका नाप है यहाँ पर 11 इंच। तो फ्रेंड्स, ये मेरे ब्लाउज का नाप कंप्लीट हो गया है। आप इस तरीके से अपने ब्लाउज का नाप ले सकते हैं और खुद अपना ब्लाउज एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।